और महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सोनाली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सोनाली सीमा के समीप केवटलिया गांव में 100 एकड़ से ज्यादा की भूमि में लगभग 500 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त निर्माण होने वाले इस लैंड पोर्ट में कस्टम, एसएसबी, पुलिस, इमिग्रेशन सहित कई सुरक्षा एजेंसियां होंगी। एक ही परिवार में अलग अलग 21 कार्यस्थलों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग, भारत और नेपाल का प्रवेश द्वार, कार्गो टर्मिनल, क्वारंटाइन बिल्डिंग, वेयर हाउस, आयात निर्यात, कार्गो पार्किंग, रेस्ट रूम, फायर स्टेशन व कार्गो यार्ड आदि का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सोनाली सीमा पर लैंड पोर्ट के निर्माण से एक तरफ जहां दोनों देशों के व्यापार में तेजी आएगी, वहीं सीमा से गुजरने वाले पर्यटकों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। हमारे क्षेत्र के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आईसीपी खुलने से, जो एक बहुत दिन से यहाँ पर पेंडिंग पड़ा था, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और नेपाल की प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने उसका शिलान्यास किया। उसके लिए हम सब में बहुत ही प्रसन्नता व्याप्त है और कहीं ना कहीं इस आईसीपी के खुलने के बाद से जो हमारा ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आज कहीं ना कहीं एक कैंपस इसको मिला है। और जो हमारे भारत में जो विदेशी नागरिक आते हैं या जो हमारा माल वाहन जाता है, जो समस्या होती थी, असुविधा होती थी, कहीं ना कहीं आज एक ही कैंपस में, चाहे वो कस्टम का क्लियरेंस हो, चाहे इमिग्रेशन का क्लियरेंस हो, एसएसबी का क्लियरेंस हो, ये सारे क्लियरेंस एक जगह पर होंगे। और कहीं ना कहीं सरकार ने इस आईसीपी में वो भी व्यवस्था की है कि जो हमारे हजारों की संख्या में ट्रक ड्राइवर्स रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, और साथ ही साथ गाँव के लोगों के लिए भी एक हेल्थ फैसिलिटीज भी यहाँ पर निश्चित तौर से बनेगा। और जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, जो पहले आते थे और कहीं ना कहीं असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता था, उन असुविधाओं से उनको छुट्टी भी मिलेगी। और खासतौर से इस आईसीपी के खुलने के बाद भारत नेपाल का व्यापार और गति पकड़ेगा और हमारे संबंध और प्रगाढ़।